वेलकम बैक टू माय चैनल दुबई यूके 01 में आपका स्वागत है। और आज मैं आया हुआ था एक छोटे अबरे पे, यहाँ पर ज़्यादातर बोट्स खड़ी रहती हैं, यॉट्स खड़ी रहती हैं ज़्यादातर। और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, सामने की तरफ एक यॉट आ रहा है, छोटा सा झाग है, आप देखिए शिप को, ये देखिए ऐसे आता है झाग। और हो सकता है वो पीछे मेरे ख्याल से ये अपनी साथ एक छोटा वो भी ला रहे हैं बोट, प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर। और ऊपर देखो एक बैठा हुआ भी है, शायद आप देखते हैं जरा, ये बैठा हुआ भी है इसके ऊपर। ये हॉर्न दे रहा है हटने के लिए। आप देख सकते हैं पानी में कैसी हलचल हो रही है, ये देखिए। इसके पीछे आ रही है और इस जहाज ने देखिए कैसे पानी को हिला के डाल दिया है पूरा, जबकि एक छोटा सा शिप है, ज्यादा बड़ा शिप नहीं है, छोटा सा शिप है, आप ये देख सकते हैं। ये पूरा एक छोटा अबरा है, ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, यहाँ पर देखता है टूरिज्म का सारा स्कोप है यहाँ पर। ये ऐसा पूरा बना हुआ है, ये देखिए ये बेंचेस जो बनाई गई हैं, ये भी एक तरह से बोट की शेप दी गई है इसको। देखिए ये छोटा सा अबरा है, मतलब है बहुत प्यारा, सूरज सनसेट हो रहा है देखिए आप, कितना प्यारा लुक आ रहा है यहाँ से, आप देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, पानी में की हलचल कैसी हो रही है उस पानी के जहाज के जाने की वजह से। ये देखिए आप के बोट तक हिल रही है, ये तो एक छोटा सा जहाज है सिर्फ, जो बड़े चलते हैं कंटेनर वाले जहाज वो तो बस कोई लहरें बना के चलते हैं, सारी बोट्स हिल रही हैं। फ्रेंड्स आपने देखा कि एक जहाज़ जो है ये छोटा सा, ये जहाज़ कैसे आ रहा है और कैसे इन्हें पानी को हिला के डाल दिया पूरा, ये देखिएगा आप, अभी भी लहरें स्विम कर रही हैं। और मैं आपको अभी लेके चलता हूँ आपको हुक्का बार की तरफ, जो यहाँ रात के वक्त बहुत अच्छे से बहुत भीड़ रहती है, यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर भीड़ रहती है। ये सामने है हुक्का बार, यहाँ रात के वक्त बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा भी लगता है, ठंडी ठंडी हवा चलती होती है समुद्र की। और यहाँ पर क्या होता है, पानी जो है ये साइड, ये पानी सब कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता रहता है, रात के वक्त भी पानी उतर जाएगा 4 फुट करीब इस जगह से, इस जगह से रात के वक्त पानी उतर जाएगा 4 फुट यहाँ से, हल्के करके नीचे चला जाएगा, डाउन चला जाएगा और रेत की तरफ लाइन शुरू हो जाएगी यहाँ पर। और मॉर्निंग के टाइम पानी फिर अब बढ़ लगता है, ऊपर बढ़ लगता है पानी। तो फ्रेंड्स मैं आपको लेकर चल रहा हूँ हुक्का बार की तरफ, जहाँ ये साक्षर होता रहता है, बार वगैरह चलते रहते हैं हुक्का बार से, शीशा कहते हैं, शीशा जहाँ पिलाया जाता है वो है जहाँ शीशे पिलाते हैं। आज के मैं लेकर चल रहा हूँ आपको, ये देखिए ये सारा जो है सब शीशा का हिसाब है पूरा, ये जितना भी है ये सब शीशा है, ये ऐसे अबरा कहते हैं, एक छोटा अबरा, बड़ा अबरा पलता वाली साइड पे, ये सारा जितना भी है ये मीना बर दुबई का जो है बहुत फेमस एरिया है, ये बर दुबई का बहुत ज़्यादा फेमस एरिया। ये देखिए ये बहुत अच्छा इसका व्यू आता है यहाँ से, देखिए साइड से अच्छा इसका व्यू आता है यहाँ से पूरा, ऐसे सामने वो है इसका, ये देखिए ये सामने पुल दिखाई दे रहा है, आप देखिए इन्फिनिटी पुल है, ऐसे हुक्का चलता रहता है यहाँ पर, सब बैठे रहते हैं और तो यहाँ ऐसे चलता रहता है पूरा पूरा उसमें हुक्का सॉन्ग चलते रहता है बहुत। अभी तो ये दिन है, आप रात में देखें तो रात में बहुत अच्छा मज़ा आएगा। बर दुबई का टूरिज्म स्पॉट बहुत अच्छा है यहाँ का, ये जो है यहाँ पर
और बहुत अच्छा मज़ा आता है रात के वक्त में यहाँ पर। आओ, ठंडी ठंडी हवा होकर चलता रहता है, सॉन्ग चलते रहते हैं अपने, और ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता आपको यहाँ पर, सस्ता मिल जाता है आपका। 35 ड्रम में, 40 ड्रम में, 50 ड्रम में आप जहाँ चाहे वैसे ले सकते हैं आप यहाँ पर ऊपर, और आराम से दो पियो, तीन पियो, कैसे पियो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं आपको ये लेके जा रहा हूँ जहाँ बबड़ी यॉट्स खड़ी रहती हैं और बबड़े शिप्स खड़े रहते हैं। यहाँ से भी आपका जो है जाते रहते हैं साइड। वो सामने जो है वो अलरास है जो आपको दिखाई दे रहा है। लाइट चलता रहता है। ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है और होटल भी है। ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा, देखिए यहाँ से लोग कितना प्यारा आ रहा है इसका। ये ऐसे खड़े रहती हैं बोट्स। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। ये देखिए जाते रहते हैं, आज ये बोट चलती रहती हैं। ये अब्रा है। ये देखिए ये जबरदस्त लुक आ रहा है, आप देखना ये पूरा अब्रा है। आगे जो है ये एक पैलेस है अपना, खड़ी रहती हैं बड़ी बड़ी यॉट्स खड़ी रहती हैं पूरी पूरी इधर। ऐसे ही लोग घूमते रहते हैं अपना, और रात के वक्त मैं आपको रात को रात का भी दिखाऊंगा यहाँ का, कितना अच्छा लुक आएगा यहाँ का। आप व्यू देखना यहाँ पर, बहुत प्यारा व्यू आता है यहाँ पर। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बड़ी शिप्स होती है, ये चलती हैं ज़्यादातर, ये टूरिज़म के लिए बना रखी है उन्होंने अपना। तो लोग आते हैं अपना टिकट वगैरह लेते हैं यहाँ से काउंटर से, और फिर उसको बिठाया जाता है। ये इनका यहाँ पर ये स्टैंड है, ये ऐसी इधर दो बोट्स खड़ी हैं यहाँ पर, एक साइड खड़ी, एक पलता वाली साइड खड़ी हुई बोट्स। ये है पूरा, पर इसका जो टिकट होता है वो होता है 35 ड्रम का होता है, 35 से 40। और जितना मैंने कि अगर लग्जरी आप लोगे इसके अंदर, इसके अंदर लंच वगैरह भी लेंगे आप, डिनर वगैरह भी लेंगे, तो उसका आपको पड़ जाएगा 140 का या 120 का ऐसा लगता है इसके अंदर पर पर्सन जो होता है। तो फ्रेंड्स मुझे ही बर्दुबई में थोड़ा काम है, तो अभी मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। मैंने आपको दिखाने लाया था, मैं यहाँ से जा रहा था, अलरास आया हुआ था अपने काम से, तो मैं इधर से आया और मैंने कहा एक छोटा सा बना लेते हैं क्लिप, है ना, ब्लॉग बना लेते हैं छोटा सा। तो आप ये देखिए पूरा व्यू है यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा और किसी और कभी मैं रात को आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ का कैसा कैसा व्यू होता है। और किसी वक्त आपको मैं शीशा पी के भी दिखाऊँगा कि शीशा पीने में कितना मज़ा आता है। अभी मैं आऊँगा सबके साथ आऊँगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, अपने कज़न के साथ आऊँगा, तो फिर आपको दिखाऊँगा क्या कितना मज़ा आता है मौज मस्ती करने में, सब दिखाऊंगा मैं आपको। अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर मिलेंगे आपसे। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाया ये इसका, फिर मैं आराम से बनाऊंगा आपके लिए अच्छा सा ब्लॉग, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं आप उनमें उसको शेयर करें। और आप सभी का शुक्रिया कि आपने मेरा जो है सब्सक्राइबर 500 करा दिए हैं, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे चाहा, आपने मुझे पसंद करा, मेरी वीडियो को पसंद करा, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही आप मुझे आप अप्रिशिएट करें ताकि मैं आगे और वीडियो को बनाऊँ अच्छे से, और मुझे बताएं मेरी जहाँ खामियाँ हों वो बताएं कि मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ सही कर रहा हूँ, वो थोड़ा मुझे कमेंट्स करके बताते रहें ताकि मैं अपनी जो मेरी गलतियाँ हैं मैं उनको सुधार सकूँ, ठीक है ना। तो आप मुझे बताएं फ्रेंड्स, ये समझा कि आपका भी फ्रेंड हूँ, अच्छा हो या बुरा, मगर हूँ आपका फ्रेंड अच्छा, तो इसलिए बस मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा वीडियो को मेरी देखें अच्छे से, और मैं कमेंट करके बताएं कि हाँ कि गलती हो रही है, नहीं हो रही है, या कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, तो थोड़ा सा मुझे बताएं। और आपके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है 500 सब्सक्राइबर करवाए, आप सभी की दुआ से इंशाल्लाह मैं आगे और अच्छा बनाऊँगा। बस हमेशा ध्यान रखें इस पर सकते होके निकले आराम से ऐसा भी। तो ठीक है फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।